Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLF.in. So guys, in this video हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी टेक्निकल इशू हुआ है हमारी वीडियो के साथ लाइव सेशन के साथ, उस वजह से लाइव सेशन नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमने आपको एक छोटी वीडियो में अवेयर भी किया है। वो लाइव सेशन आपके साथ आगे डिस्कस किया जाएगा, आपको डेट बता दी जाएगी, बट यस डिस्कशन ज़रूरी है, तो डिस्कशन बिल्कुल होगा गाइज। और एक चीज़ हम यहाँ पर ये समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि ये लिख रहे हैं कि न्यूज़ फेक है या फिर चीज़ें रियल हैं, क्या है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ फेक है तो हम आपसे डिस्कस ही नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाइज, यहाँ पर आप प्लीज़ उसको समझिए, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर आपके 4 साल जो आपकी डिग्री है अगर वो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए वो कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट अगर कोई इसके पीछे प्रयास कर रहा है तो हम उसको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बात रहती है यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल के बारे में, कि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है कि उनको पैसे लेने होते हैं या फंड्स का कलेक्शन करना होता है। गाइस, तो ये तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको फंड्स देना चाहते हैं या नहीं। जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो कि रेट यहाँ पर हम लोगों ने डाली थी, उसके बाद जब वो खारिज होती है तो उसके बाद भी आप सोच सकते हैं, आप चेक करिएगा, आप फाइंड आउट करिएगा कि कितने पैसे यहाँ पर लगते हैं। पूरा जब केस चलता है तो उसमें कितनी यहाँ पर फंडिंग्स आपको चाहिए होती हैं और कितने पैसों की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जब एक बार वो चीज़ वहाँ से खारिज हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आप जानते हैं जो अमित वर्मा जी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि वो सेकेंड टाइम भी कर पाएँ। आप प्लीज़ एक बात को जानिए कि वो हमारे सीनियर्स हैं और वो ऑलरेडी चीज़ों को जानते हैं, वो अपना फ्यूचर सेव कर लेंगे, लेकिन वो आप लोगों के लिए सोच रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। तो हम सिर्फ उनको थोड़ा सा ही सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप पर पर्सन भी हम उनको 50 रुपीज़ दें अपनी पॉकेट से, तो आपके लिए आप सोच सकते हैं कि कोई 50 रुपीज़ मायने नहीं रखते। और अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई आपको फोर्स नहीं करता है आके कि आप दीजिए या नहीं भी दीजिए, बिकॉज चीज़ें अगर होनी है तो होंगी। अगला अगर सोच रहा है कि उसको, अगर आपका फ्यूचर की उनको टेंशन है, तो वो तो दोबारा रेट फाइल करेंगे ही, चाहें कैसे भी करी जाएगी, ठीक है। बट जब हम सबका सपोर्ट होता है गाइस, तो इंसान को जो कर रहा होता है काम, उसको मोटिवेशन मिलता है, वो आपके लिए अच्छे से काम कर सकता है। 4 साल का आपका फ्यूचर बचा रहा है कोई, और अगर आप सिर्फ 50 रुपये का भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो, नहीं करते हो, तो उसमें कोई बहुत यहाँ पर आपके लिए भी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये एक होती सपोर्ट की बात। नेक्स्ट बात आती है डॉक्यूमेंटेशंस की बात, सो नो नीड टू वरी। इस वीडियो के नीचे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी जो भी ERTI फाइल करी गई थी पहले भी, और अभी भी जो केस खारिज हुआ है उसका डॉक्यूमेंट मैं नीचे लगा दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इससे आराम से चेक करें, उसको पढ़ें। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि जो नेक्स्ट रिट हम लोग यहाँ पर फाइल करने वाले हैं, उसकी एक एक डेट की डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको प्रेजेंट करेंगे BLF.in प्लेटफॉर्म पर। हर डेट का आपको डॉक्यूमेंट जो कोर्ट का रहेगा वो आपसे यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं एंड उस पर आप बिल्कुल बिलीव करिए और चीज़ें होंगी गाइज। अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं फेक है या कुछ भी है, आप एक बार हाई कोर्ट्स की चीज़ें, जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको चेक करिए एक बार। अगर आप संतुष्ट हैं कि आप 4 साल टीचिंग ही करना चाहते हैं और फिर उसके बाद टीचर ही बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करिए इस चीज़ में, बिकॉज आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है। फ्यूचर उन लोगों के लिए बर्बाद है जहाँ पर जो टीचिंग के साथ साथ अगर उनके और भी टैलेंट्स हैं, वो UPSC में जाना चाहते हैं या फिर PET का आपको पता है बिल्कुल नहीं भर पाओगे आप फॉर्म, आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो। जिनको लग रहा है कि फेक है, बिल्कुल आप चेक करें जाके कि अगर आपको BLED का ऑप्शन वहाँ पर मिल रहा है तो ज़रूर स्क्रीनशॉट हमको भेजें, ठीक है। आप नहीं भर पाएंगे ग्रेजुएट वाले UP SSSC में, तो उसके लिए ही एक कोई प्रयास कर रहा है। हम हाई कोर्ट दौड़ कर नहीं जा रहे, फिजिकली मेंटली हम नहीं हेल्प कर रहे, हम इमोशनली और थोड़ी फाइनेंशियली ही उनसे कह सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है गाइज आप लोगों के लिए। और कोई भी आपको घर पर आके ज़बरदस्ती आपसे पैसे नहीं ले रहा या फिर आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप करिए, आपकी मर्ज़ी है। आप खुद अच्छे से जान सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आपका फ्यूचर, और आपने जो 4 साल हैं वो बर्बाद कर रहे हैं आप, या आपको और भी इसके साथ अपने बेनिफिट्स चाहिए। आप सोचिए, अगर ये ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाता है तो आप टीचिंग के साथ साथ अपने जो अदर टैलेंट्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट लाइव हम जब भी करेंगे आपको बता दिया जाएगा, सोच विचार करें, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। बाय बाय।